Good morning, students. Now we'll study some more criteria of congruence in triangles. Theorem 7.4 is SSS congruence rule. 3S stands for side, side, and side. So the statement of this rule is if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. मतलब अगर एक ट्राइंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के बराबर हो तो ट्राइंगल्स को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, और उसी हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो जो इक्वल होंगी उसी हिसाब से हम कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। एसी जो है साइड वो पी आर के बराबर है, सॉरी ए बी साइड पी आर के बराबर है, एसी पी क्यू के बराबर है और बी सी और क्यू आर ये बराबर है। ठीक, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। देयरफॉर these two triangles are congruent and triangle ABC is congruent to, अब हमें congruent statement सही लिखनी है। AB किसके बराबर है? PR के बराबर। तो हम यहाँ पे PR लिखते हैं। और AC किसके बराबर है? PQ के बराबर। तो अब अगर हम यहाँ पे Q लिख देंगे तो AC PQ, ठीक है ना? ये AC and PQ। और तीसरी भी चेक कर लेते हैं, BC किसके बराबर आना चाहिए? QR के बराबर। तो BC QR या RQ एक ही बात है। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल है लास्ट कॉन्ग्रुएंस रूल, दैट इज द RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब RHS कॉन्ग्रुएंस रूल सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। R stands for right angle, H stands for hypotenuse and S stands for side. तो इसकी statement होगी, if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle then the two triangles are congruent। मतलब ये लिया हमने एक राइट ट्राइंगल, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी, और ये ले लिया हमने दूसरा राइट ट्राइंगल, इसका नाम दे दिया डी
ई एफ, और ए बी अगर डी ई के बराबर है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये डी एफ के बराबर है हाइपोटेन्यूज, और ए के एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल और एक साइड इक्वल हो गया, दैट मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होना जरूरी है, and hypotenuse AC is equal to hypotenuse DF and any side AB is equal to BE, then triangle ABC is congruent to triangle, अब देखिए B 90 का है तो बीच में E 90 आना चाहिए क्योंकि B बीच में आ रहा है, AB side DE के बराबर है तो D पहले और लास्ट में बचा क्या F, तो AC hypotenuse और DF ये दोनों इक्वल हो गए, बस ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है, एंड दिस आरएचएस स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल 7-8 आप ट्राई करेंगे, एग्जांपल 8 डिस्कस कर रही हूं मैं, पी इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, है ना, दो लाइंस ली हमने, ये लाइंस है L एंड M, ये लाइन L है, ये है M है, और बाइसेक्टर शो दैट AB बाइसेक्ट्स द एंगल, P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, तो ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन है ये A है, यहाँ पे हमने एक बाइसेक्टर खींच लिया और P इस बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, नहीं आपको प्रूफ करना सॉरी कि ये बाइसेक्टर है, गिवन तो है P इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला और इधर भी परपेंडिकुलर डाला, इनका नाम हम दे लेते हैं B एंड C, ये पॉइंट B और ये C, हमें ये दिया है कि ये इक्विडिस्टेंट है, तो गिवन क्या हुआ हमारा कि लाइन L एंड M इंटरसेक्ट एट A, PB इज इक्वल टू PC एंड PB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, PC इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, ये परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट किया है तो अंडरस्टूड है कि ये लाइन है, ये निशान मैंने आपको सिर्फ लाइन याद दिलाने के लिए कि ये लाइन है इसलिए लगाया है, जैसे हमें जरूरत नहीं है, देन यू हैव टू शो, दैट मीन्स टू प्रूव है आपके लिए क्या कि एंगल पी ए बी इज इक्वल टू पी ए सी, मतलब ये जो पी ए लाइन सेगमेंट है ये एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, अब ये जो दो ट्राइंगल्स बने हमारे पास, एक बन गया ये ए बी पी और ए सी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और जब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो सी पी सी टी से ये दो एंगल्स बन रहे हैं इनको इक्वल बता देंगे, अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें, तो प्रूफ इन ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल पी ए सी, अब देखिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर एंगल पी बी ए इज इक्वल टू पी सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो परपेंडिकुलर आपको दिया ही हुआ है, और इसके ऑपोजिट 90 के ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ए पी, यानी कि ए पी ऊपर वाले ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज है और पी सी ए का भी हाइपोटेन्यूज है, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये तो हो गया कॉमन, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये तो हमें इक्वल गिवन ही है, इस तरह से राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स
congruent हो गए. Triangle PAB is congruent to triangle PAC by RHS congruence. और जब ये congruent हो गए तो इनके angles PAB is equal to PAC by CP CD. अब जो ये दोनों angles equal हो गए, that means AP bisects angle BAC. I hope ये concepts आपको समझ में आए होंगे. Based on this is exercise 7.3, ये दो theorems के ऊपर based है. And if you have any difficulty in understanding these concepts, do ask me. Thank you.